दोस्तों, अपनी आंखों में अगर आप काजल लगाने के शौकीन हो तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं अपने लिए काजल बना रही हूँ तो सोचा क्यों ना आपके साथ वीडियो शेयर किया जाए। देख लेते हैं। चलिए, पहले मैं यहाँ पर 4 से 5 बादाम ले लेती हूँ और बादाम को हम दरदरा कूट लेंगे। तो खलबत्ता में डाल दी और इस तरह थोड़े उसे कूट लीजिएगा ताकि जैसे हम आगे इसे बाती में रखेंगे ना तो ये बाहर ना आ जाए। तो दरदरा कूटने के बाद इस तरह रहेगा। अब बाती ले ले तो रेक्टेंगल शेप का आप प्योर कॉटन ले ले, या तो मेरी तरह थोड़ा सा कॉटन ले और उसे खींचे, थोड़ा सा लंबा करे और थोड़ा सा चौड़ा करे ताकि बीच में हम अजवाइन और बादाम रख सके। तो ये देखे, तो जैसे आप कॉटन लोगे उसके हिसाब से आपकी बाती बनेगी। अब सेंटर में थोड़ा सा अजवाइन और दरदरी कुटी हुई बादाम रखेंगे। तो इस तरह पतली से एक लंबी लाइन बना दे और इसे रोल करेंगे ताकि हम इसकी आसानी से बाती बना सके। ये देखे इस तरह। तो हल्के हाथ से रोल करिएगा पहले ताकि अजवाइन और बादाम अंदर ही रहे। अब कॉर्नर्स में थोड़ा सा घी या तेल लगा दी। अब बाती बनाने के लिए आप यहाँ पर देसी गाय का घी ले सकते हो, अरंडी का तेल ले सकते हो, नारियल का तेल ले सकते हो या बादाम के तेल ले सकते हो। जैसे आप बनाना चाहते हो वैसे बना सकते हो। मैं यहाँ पर प्योर देसी गाय के घी से बना रही हूँ। थोड़ा सा हाथों को घी लगा दे और इसे इस तरह एक साइड ही रोल करे। आप डबल साइड रोल करोगे तो अपने आप ही ये बाती खुल जाएगी और अंदर जो हमने स्टफ किया था ना वो निकल जाएगा। तो आप इसे रोल करें, कॉर्नर्स में थोड़ा सा पतला शेप दे दे ताकि हम दिया आराम से लगा सके। बाती बन चुकी है, इसे रखेंगे दिया में। तो यहाँ पर मैं मिट्टी का दिया ले रही हूँ और इसे इस तरह एक बार प्लेस करके देखिएगा। दोनों तरफ से मैं दिया लगाने वाली हूँ तो दोनों तरफ से आप हल्का सा इसे पतला कर दीजिए ताकि काजल फटाफट से बन जाए। इसलिए मैं दोनों तरफ से इसे दिया लगाने वाली हूँ। ये देखिए एडजस्ट हो चुका है। अब इसमें हम घी डालेंगे। उसके पहले दोनों साइड आप थोड़ा सा घी से इसे डुबा दें और इस बाती को दिए में अरेंज कर दे और इसमें डालेंगे हम घी। तो यहाँ पर मैं प्योर देसी गाय का घी डाल रही हूँ। आप यहाँ पर अरंडी के तेल से बना सकते हो, बादाम के तेल से बना सकते हो, नारियल के तेल से बना सकते हो या इसके अंदर चंदन का पाउडर भी मिक्स करके बना सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपल बना रही हूँ, यानी सिर्फ बादाम, अजवाइन और घी। इस दिए को मैंने घी से भर दिया है। इस दिए को घर में आप कहीं पर भी कॉर्नर में फ्लोर पर रखिएगा, यानी ज़मीन पर रखिएगा जहाँ पर आप पंखा चालू नहीं करते हो या हवा नहीं आती हो, क्योंकि ये दिए लगभग 2 से 3 घंटे के लिए जलते रहेगा। दोनों साइड आप दिया लगा दे और ऊपर से हम थाली रखेंगे। थाली को सेट करने के लिए कॉर्नर्स में आप 3 या 4 ग्लास इस तरह रख दे। मैं यहाँ पर मिट्टी के कप रख रही हूँ। आप इसके बदले स्टील या कोई भी ग्लास रख सकते हो। इस तरह अरेंज करें कि इसके ऊपर आप थाली रखें, दिए का जो आँच है वो डायरेक्ट थाली पर जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कांसे की प्लेट को उल्टा पलटा कर इस तरह रखा है दिए की आँच डायरेक्ट कांसे की प्लेट के ऊपर जाए और काजल इकट्ठा होते जाए। ये देखिए इस तरह लगभग जब तक घी है ये जलता रहेगा। ध्यान रहे काजल बनाने के लिए आप घर में कोई भी कॉर्नर सेट करें और फ्लोर पर रखें, यानी ज़मीन पर। 2-3 घंटे बाद भी थाली काफ़ी ज़्यादा गर्म रहेगी। आप उसे अपने आप ही ठंडा होने दे 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद ही थाली को उल्टा पलटा दीजिए। जितना भी ब्लैक फिल्म है ये काजल है। आप इसे इस तरह नाइफ या स्पून से स्क्रैप कर दे। स्क्रैप करने के बाद ये देखें, तो जब भी आप स्क्रैप करते हो फैन बंद कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है। अब इसमें थोड़ा सा त्रिफला पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून जितना। ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते हो स्किप कर सकते हो। और इसमें 1 या 2 ड्रॉप घी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही आप घी डालोगे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और इसे आप आराम से कोई भी डिब्बी में ट्रांसफ़र करें और स्टोर करें। तो मेरे पास इस तरह डिब्बी है, मैं इसी में इसे डाल देती हूँ। और ये रहा प्योर होम मेड काजल, ना कोई केमिकल ना कोई प्रिजर्वेटिव। ये देखिए कितना ज़्यादा ब्लैक है और ये वाटरप्रूफ है। अगर आप काजल बनाना चाहते हो तो एक बार इस तरीके से काजल ज़रूर बनाइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप ट्राइंग माई रेसिपीज़।